पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि काफी जो हमारे कार्यकर्ता उनको तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, काफी तो जानता हूँ, लेकिन वो हमारी कांग्रेस संगठन में क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना था। और साथ में अभी भी आपको पता है कि बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं, अभी आपने बहुत सारे वार्डों के नंबर बताए, बहुत सारे वार्ड अभी भी है जिससे कोई भी नहीं है। वो गौर करना है कि आज हमने मीटिंग बुलाई थी कि शहर के सारे वार्डों से लोग आए, तो अध्यक्ष जी इनको दोबारा जिन वार्डों में नहीं आए तो उनके उनको भी वापस आप एक बार और बात करें। मैं दोबारा आपसे अपनी पार्टी जी को करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। मतलब आपसे सुना तो यहाँ जो आदरणीय गिरिजा व्यास मैडम, गिरिजा जी व्यास मैडम और सम्मानित मंच और हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं आप लास्ट में एक बार आपसे वापस डायलॉग करूंगा। अभी मैं केवल मैं चाहता हूं कि मेरा पहले सबसे पहले उद्देश्य था कि आपके साथ मैं रूबरू हूं। काफी समय से ग्रामीण क्षेत्र के दौरे हो रहे थे, शहरी क्षेत्र के दौरे हुए भी, तो सबसे पहले आपसे रूबरू होने के बाद मैं आप जो भी संबोधन करेंगे संबोधन में आप ये बताएंगे कि कहाँ हमारी कमियाँ हैं, किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से हमको सुधार करना है जिससे कांग्रेस पार्टी की जीत अपने लोकसभा क्षेत्र उदयपुर में हो। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो भी हमारे कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी बताएं वो हमें मार्गदर्शन दें कि किस प्रकार हम शहर में कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं और क्या चीज़ हमें करनी है। धन्यवाद। मैं वापस फिर अंत में आप सबकी बात सुनने के बाद एक बार फिर अपनी बात को दोहराएं। और राजस्थान के संदर्भ में तो बात बहुत ही ज्यादा सटीक बैठी है।
उतरे में जो मिल रहा है, ये सब बातें आप बहनों को, मैं फिलोसफी स्टूडेंट हूँ और फिलोसफी में सबसे अच्छा तरीका डायलॉग्स तरीका है जिसको हम लोग सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। उसमें आपस में डायलॉग करके अपनी शिकायत निकालो, कितने चीजें हमें नहीं मिल रही गरीबी, और फिर सबसे बड़ी बात ये मैनिफेस्टो को हम आपको आधार बना दिए। मैनिफेस्टो पांच भागों का है, जिसमें से एक भाग का निर्णय तो राजस्थान में राहुल जी ने किया था, अब गवर्नमेंट तुम्हारी बोलो कर सकते निर्णय लिए थे। उन पांचों में फिर पांच भाग किए, एक महिलाओं के लिए है, महिलाओं में आप डरें मैनिफेस्टो का वो प्लेट होता है, और अध्यक्ष हो जाए आप मैनिफेस्टो के ये पांचों को अलग अलग करके और उनको बांट दीजिए उनके हेड्स को, ताकि वो लोग उसको सुने। अध्यक्ष जी हमें पूरे काल यहाँ पर अवेलेबल है, आज आपको भी अवेलेबल है, मतलब सब जो बैठे हुए हैं सब अवेलेबल है, आप किसको भी कभी भी बुला लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बीच में कहना चाहता हूँ, और एक हमारे प्रत्याशी साहब से कहना चाहता हूँ, भाई भद्र सिंह जी और हम लोगों ने सबने चर्चा करी आपस में बैठ के, हम जो आपको जब भी समय मिले सब हमारा निवेदन ये है कि अपन जहाँ जहाँ आ जा रहे हैं वहाँ एक साथ निकल के दो तीन घंटे का एक दौरा कर लें। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके आओ और उसके बाद उन्हें जो समय मिले उसमें अपन कर लें, तो अपना एक मैक्सिमम उदयपुर शहर का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों आप लोगों के लिए है, एक टारगेट बेस पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी अपन को, एक मिनिमम 100 मकान 150 मकान या 200 मकान अपन डेली अगर चले जाए 10-12-15 दिन है अपने पास, और अपनी बात कहें, क्योंकि उदयपुर शहर में जब घूमते हैं तो आम आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी का हो वो एक ही बात कह रहा है, बालाचंद जी मीणा कैंडिडेट बहुत अच्छे है, आप लोगों के कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे है, और दूसरा जो कैंडिडेट है उसका तो नाम ही नहीं सुना और कौन है देखा भी नहीं है, तो उसका जो फायदा अपन ले सकते हैं वो निश्चित रूप से ले सकते हैं। टारगेट की बात करी तो एक बात बहुत अच्छी आपको कहना चाहता हूँ, जब भी 4 महीने पहले एक टारगेट मैंने भी लिया था, किसी कारण से एक डॉक्टर ने मेरी बीपी चेक करी, उसने कहा कि बीपी बहुत ज्यादा है, मैंने कहा इतनी ज्यादा है कि इतनी है, वजन मेरा है जो 104 किलो है, तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम कर तू भी वजन कम कर, मैं भी करूँ, दोनों टारगेट लिया, मैं 17 किलो वजन कम कर दिया, डॉक्टर 2 किलो ही कम कर पाया। उसी प्रकार से अपन सब अगर टारगेट लेकर के निश्चित रूप से हमारे को एक टारगेट है, ये टारगेट हमारे को करना है पूरा, तो हम कर पाएंगे। और उदयपुर शहर जो कैंडिडेट अपन को दिया है उसका व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ना है, वोट भी मिलेंगे अपन को,
थोड़ी सी मेहनत हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कर लें, एक दूसरे को तो बाद में कर लेंगे, निपटाना जुटाना जिंदा करना मारना सब कर लेंगे, पर पहले एक बार तानाचंद जी को अपन जीता दे रहे हैं। देश की परिस्थिति बहुत खराब है और जिस गली में जा रहे हैं उस गली में लोग कह रहे हैं तानाचंद जी कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। अगर तुम एकजुट होकर के सब मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से जीतो के मेरे आपको शुभकामनाएं। निश्चित रूप से भाई भद्र सिंह जी और हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के इस चुनाव में, क्योंकि हम सब मरे हुए हैं, कोई जिंदा नहीं है, कोई गलत बेबी होते निकाल देगा, हम सब बहुत बड़े लीडर है, कोई लीडर कोई मान ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हम सब लीडर कहलाएंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है, दुनिया जान रही है। धन्यवाद, जय हिंद, बहुत बहुत आपस में छोटे मोटे मन मुटाव भूल के सबको एक होकर करना पड़ेगा। तो
तो इसलिए आप ऐसे कमेटियां बना दीजिए कि सबका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाए और हर उसको कहे, हमारे जैसे प्रदेश के पदाधिकारी है या प्रदेश के पूर्व पदाधिकारी है या पूर्व जिलाध्यक्ष है, हमारे पार्षद है, अग्रिम सेकंडों के अध्यक्ष है या कई ऐसे अग्रिम सेकंडों के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, कई ऐसे जो पहले पार्षद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है उनको भी जिम्मेदारी दें, जो कई पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं उनको भी जिम्मेदारी दें, सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दे के कमेटियां बनाएं ताकि उसके कमेटियों की भी मीटिंग हो और हम जल्दी से काम शुरू कर सकें। और इसके लिए मैं हमारे साथियों को भी सुझाव देना चाहूँगा, साथियों हमारे शिक्षा बड़ी कमी है, हम लोगों में बोलते नहीं है, हम क्या करते हैं पूरे टाइम, आजकल एक नई बीमारी आ गई व्हाट्सएप की, जिस व्हाट्सएप के ऊपर लगे रहते हैं सब ग्रुपों में, सब व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, मैं देखता हूँ कि इतना व्हाट्सएप है कि मतलब वो पढ़ना ही संभव नहीं है, इतना कांग्रेस 100-150 तो कांग्रेस के ग्रुप बन गए, हर वार्ड के हर कार्यकर्ता ने अपने अपने ग्रुप बना दिए, वो के वही लोग हैं 400-500 लोग हैं और हमारा रोज के 5-7-8 घंटे व्हाट्सएप पे बेकार हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके चुनाव के दौरान हम ये संकल्प करें कि व्हाट्सएप देखना बंद करें और लोगों के अंदर जाके बात करें, हमें लोगों के अंदर वोट तो लोग देंगे, हम आपस में कितना ही प्रचार कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे, हमें लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि पिछली बार मोदी ने क्या क्या कहा था और वो नहीं हुआ, हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके वार्ड में बीजेपी के लोग आए प्रचार करने का, आप उनसे पूछो कि 15 लाख आपके खाते में आए कि नहीं आए, उनसे पूछो आपके जो बातें किए थे वो 2 करोड़ नौकरियां के हर साल कहा था, तो 20 करोड़ होने चाहिए 5 साल के अंदर, 10 करोड़ होने चाहिए, तो वो मिलेगी नहीं मिली आपको नौकरियां, ये सब हमें पूछना पड़ेगा उनसे जाके, लोगों में बैठना पड़ेगा, लोगों में बात करनी पड़ेगी। और हमारे जैसे कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, हमारी जो गारंटी हमारे राष्ट्रीय नेता ने जारी की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जारी की है, हमें उनको भी जाके बताना पड़ेगा कि कांग्रेस की सरकार आती है और आप कांग्रेस को जिता दे तो यही कांग्रेस करने वाली है आपके लिए, और बीजेपी ने जितने वादे किए वो सब झूठ रहे हैं, मोदी झूठ रहे हैं, कल राजस्थान के अंदर आके वो 370 की बात कर रहे हैं जो कि कश्मीर में करनी चाहिए, कश्मीर में जाएंगे तो राजस्थान की बात करेंगे, मतलब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, हमें लोगों के अंदर जाके बात करनी पड़ेगी। तो मेरा यही निवेदन है कि आप व्हाट्सएप पे चुनाव मेहरबानी करके उसके बाद फिर लग जाना चुनाव के बाद व्हाट्सएप पे। आप हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से काम किया, काफी अच्छे वोट मिले उनको, दुर्भाग्य था कि हम वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन मौका है, अभी हमारे पूरे मतदाताओं ने सारी जानकारी आपको दी, आज की जनरेशन को इस व्हाट्सएप यूनिट से उनको इतिहास बदलने की कोशिश की, और जो सरकार केंद्र में बैठी है वो सरकार कांग्रेस के इतिहास को झुठला देना चाहती है, और झूठ का पुलिंदा आप सब देख रहे हैं, इनके सामने पड़ रहे हैं, जो उनके विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उससे डर कर कांग्रेस का कार्यकर्ता छोड़ के जाने वाले नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अभी आपने अजय सिंह जी ने एक बात कही, हमें लोगों से संवाद करने की जरूरत है, कल मेरे घर पे ब्लड लेने के लिए एक व्यक्ति आया, यस, उसके दिमाग में भर दिया गया कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया, नेहरू ने बर्बाद कर दिया, नेहरू जी ने 2 युद्ध लड़े थे चाइना के साथ, याद रखना चाहिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जिन युवाओं को मालूम नहीं है चाइना बॉर्डर के ऊपर पिक्चर बनी थी हकीकत, और उन्होंने मुंह की खाली पड़ी थी चाइना को, पाकिस्तान को इंदिरा जी ने 2 टुकड़े किए, ये हमारे नेताओं ने बॉर्डर को बेचा नहीं है, जो आज की परिस्थिति में सामने प्रतिस्पर्धा होता है वो आपको छुपा हुआ नहीं है, अखबार झूठ बोलता है, अखबार बेटा हुआ है, टीवी चैनल बेटे हुए हैं, हमें सच्चाई समझने की जरूरत है, लोगों से संवाद करके कांग्रेस की दिशा को बनाने की जरूरत है। अब हम सिर्फ आपसे यही विनती करते हैं, ऐसा अच्छा व्यक्तित्व हमारे लिए प्रतिभाशाली निरंतर पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारा कैंडिडेट है, आप लोगों को जैसे कि अजय सिंह जी ने कहा हमें उन वार्डों को उन गलियों को चेक करना है, उमेश मंडी ने कहा वो वोट जो 30% 60% पोलिंग होती है 30-35% वोट डालने जाती ही नहीं, हमें उन लोगों को टच करने की जरूरत है, एक एक बूथ पर 5-5 कार्यकर्ता ऐसे तैयार कीजिए जो एक एक गली को पकड़ ले और 10 दिन तक एक एक गली के हर घर में जाए, रोज जाए, उनकी समस्या को समझे, उनकी परेशानियों को समझे, उनकी बात को समझे और कांग्रेस की रीति और नीति को बताए, और उस दिन उसकी ये जिम्मेदारी रहे कि वो वोट लाके वाली बूथ पर वोट डलवा। आदरणीय उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यदंडी नेता और समस्त कांग्रेस परिवार के कांग्रेस, मैं एक कृषक परिवार से आता हूँ,
मेरा कांग्रेस कमेटी और उदयपुर शहर जिला कमेटी से निवेदन है, बारिश हो चुकी है, फसल खड़ी है, तो कोई करना है, लेकिन बीमार बैल को अगर लेके चलोगे न तो आपकी फसल होगी न वो बीमार बैल काम करेंगे। उन सबको बदल दो। अध्यक्ष या जो भी मंडल अध्यक्ष जो यहाँ मौजूद नहीं है, क्या चाहते हो आप बताओ, उनसे पूछो, नहीं काम करना चाहते उनसे बोलो, छोड़ो, किसी किसी दूसरे को मौका दो। अन्यथा आज भी ऐसे कई पार्षद अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष या वैसे बहुत सारे लोग जो आज भी बाहर ऑफिस में बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, उन बीमार बैल को हटा दो, वो आपकी फसल नहीं होने देंगे। मेरा यही कहना है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे मन की पीड़ा है, जो काम नहीं करना चाहता वो स्वेच्छा से अपना कार्य छोड़ दे, अन्य लोगों को मौका दे। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता यानी के विपक्ष से जूते भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं, पेड़ भी खाते हैं, और जब उन्हें अपना काम पड़ता है और जब आप नेता के पास में जाते हैं तो सिर्फ उनको धुतकारे की अलावा कुछ नहीं। सही कह रहा हूँ मेरा प्रिय दोस्तों, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आपके हमें विश्वास है आप पर कि आपके इस कार्यक्रम में आप विजयी होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और आप इन कार्यकर्ता को गले से गले लगा के चलेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आज जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं आने वाले समय में इससे 10 गुने कार्यकर्ता आपके समक्ष आके खड़े होंगे। बस मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी कार्यकर्ता आपके समक्ष आए इनको आप प्रेम से गले लगाएं। कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, न उसे माइंड चाहिए, न उसे नौकरी चाहिए, न उसे फैक्ट्री चाहिए, न उसे पेट्रोल पंप चाहिए, उसे सिर्फ मान और सम्मान का भूख मांगता है कार्यकर्ता। इनके सारे पूरे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छी पहचान है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में आता हूँ और मेरे को भी वहाँ की लैंग्वेज अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मैं आपसे एक ही कहूँगा मार्केटिंग का बेस्ट ले मार्केटिंग से ही। थैंक यू। हम हमेशा कहते हैं कि सीनियर कार्यकर्ता दूसरा काम करेगा, काम नहीं कर पाते जब तक हम उसको धरातल पर नहीं उतारेंगे। ये मीटिंग करने का हमारा औचित्य पूरा नहीं होगा कि हम सभी यही सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी जीते हम सच्चाई में जीते। इसीलिए जिला जी में आपके निवेदन है कि दोनों ब्लॉकों को और 12 मंडलों को आप आज से एक्टिव करते तभी हम जाके ग्राउंड पर जा पाएंगे। हमें कार्यकर्ता साहब बेटा में रैली नहीं निकाल के हम कम से कम लोगों से मिले, लेकिन उनको पूरी बात सुनना है, उनको बताना पड़ेगा कि देश खतरे में है और देखे बचा सकते हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जिताकर। और हम यह उनको जब तक समझेंगे तभी होगा, क्योंकि आज एक अधिक वातावरण बना हुआ है, उसको बोलना पड़ेगा और छत्र जो देश में घूम रहे हैं जुटे थे उनको बतानी पड़ेगी तभी हम उनका नहीं देखो। सीट सामग्री का इंतजार है, हमारी टीम पूरी तैयार है, मेरे चाली वार्ड होते हैं कि यहाँ आपके बेटे हैं आप हमें सामग्री दिया है और प्रश्न पत्र हमें लगा ले हम इंतजार रखा। मैं आदरणीय मियां साहब का यहाँ स्वागत करती हूँ और मैं खास करके मियां साहब आपसे एक बात करने के लिए आई हूँ कि लास्ट टाइम जो विधानसभा में चुनाव हुए थे उसमें सर बीएलओ ने जो ये जो घर से जो वोटिंग होगी ना थी इसमें सर सबसे हाईएस्ट बदमाशी की थी, तो वो चीज हमको अभी आपको प्रेशर लगा के उनको बीएलओ से थोड़ा सा ठीक करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीएलओ ने वो वोट डलवा ही नहीं सर यूनिफॉर्म पर है ना बीएलओ ने वोट डलवा ही नहीं। वहाँ 66 और 67 दो हम लोगों ने देखे थे तो उसमें यही समस्या आई थी कि भाई वोट डले नहीं। खास करके मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और ये मान के चले एसी एसपी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के लिए मेन संदेश है कि अगर इनकी सत्ता आती है बीजेपी वालों की तो आरक्षण आप भूल जाना, सबसे पहले संविधान लागू होगा और उसमें सबसे पहले टारगेट की एसी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी होंगे। इसलिए हम सबको एकजुट होकर हम्पी में वोटिंग करनी है और तारक सिंह जी मीणा से सबसे ज्यादा मतों की लाइनें चुनाव वाले दिन अधिकतर हमारे इसमें लगती है।
ये इस बार भी हुआ था, वहां पर मैं अध्यक्ष जी से और ताराचंद जी से कहना चाहूंगा कि इसका कोई आप अगर निराकरण निकाल सकते हैं कि वहां लाइन नहीं लगे या मशीनें दो लग जाए, क्योंकि पिछली बार 8-8 बजे तक भी वोटिंग चली थी, इसका कोई निराकरण निकल जाए तो हमारे वोट बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ सकता है। पकड़ के भी लाते हैं वोटर्स को, कितने को घर से निकाल के लाते हैं, बाकी वहां पर वो आने के बाद कहते हैं कि 2 घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे, तो हम भी उनको वापस कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, एक छोड़ के दूसरे में लग जाते हैं तो वोटर्स वापस चले जाते हैं। एक तो ये रही बात, और एक दूसरी बात है, नेता बहुत सारे अलग अलग गलियों में नेता है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम नेताओं को कहें अपने बूथ पे संभालें, बूथ पर देखें, और पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस में प्रेमी जाता है, उन प्रेमियों पे थोड़ा आप लगाम लगाएं कि वो दूसरे जो बच जाता है उनको भटकाया जाए, जो हमारे मतदाता उनको नहीं भटकाया, दूसरे जो मतदाता है उनको तो कम से कम हम अपने तक लाने की कोशिश करें, अगर वो नहीं आते तो हमारे मतदाताओं को नहीं भटकाएं। ये हमेशा अक्सर मेरे पास तक मेरे वार्ड में और दूसरे एरिया में देखने को मिलता है, और इसमें एक चीज और है कि अगर मेरे वार्ड नंबर 7 मलदल एरिया पड़ता है, यहाँ मैं पूरे अभी उदयपुर में सबसे ज्यादा मतों से विजयी हूँ, 1837 मतों से विजयी हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मुझे स्वतंत्र प्रभार देंगे तो मैं पूरी तन मन धन से जान लगा दूंगा कि इससे ज्यादा मत आपको ऑफर मिले। हमारे ये सारी जो चुनाव आ रही है वो चुनाव की जो अपना अपना बात रख रहे हैं, मेरा तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि चाहे राज्य सरकार की पहले हमारी जो नीति रीतियां थी और जो अभी मोदी सरकार की जो विफलता है वो हम घर घर तक नहीं पहुंचा पा रहे। सत्य बात तो ये है, आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी उच्च नेता कोई छोटी सी भी गलती करता है या कुछ एक शब्द भी बोल देता है तो वो सोशल मीडिया पर कैसे वायरल होता है आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े घोटाले करती है, जैसे अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो धंधे वाला धंधा हुआ था, ये सारी चीजें हम जनजन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या किया, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमारे सांसद रहे अर्जुन लाल जी, वो 10 साल तक कभी किसी से मिलने भी नहीं गए, किसी वार्ड में किसी पंचायत का दौरा नहीं किया। आज मेरे साथ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ था गाड़ी में, मेरे साथ ही अभी विजय जी आए हुए, उनसे मैंने एक ही बात पूछी कि अगर आपको कोई काम होगा तो मोदी जी के पास जाओगे क्या, बोले किसके पास जाओगे, तो सांसद के पास, मैं कहा सांसद आपका 10 साल में आपके पास पूछने आया, बोले संजू मैं नहीं आया। अब उसकी आत्मा कितनी प्रेरित हुई, वो मेरे साथ आए, वो आज कांग्रेस पार्टी की बैठक में मीटिंग में बैठा है। मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि घर घर जाकर उनको समझाए, मोदी फैक्टर चल रहा है इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत जाके किसी को नहीं समझाएंगे लोगों को तब तक हमें सफलता हासिल नहीं हो सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो भी कार्य करें अपनी ईमानदारी से कार्य करें। मंच साथियों, ये जो बोलने की बात है हम लाइन वाइज चलेंगे, पहली लाइन में कोई बोलना चाहता आए फिर दूसरी लाइन। सम्मानित मंच बिल्कुल बन चुका है, अब हमें ये जो विधानसभा में जो हमने मिलकर काम किया है, विधानसभा में जो भी हुआ कुछ भी हुआ उसे अपन भूल कर हम लोकसभा की तैयारी करें, कि लोकसभा हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे इतने अच्छे प्रत्याशी है ताराचंद जी मेहता साहब, तो लोकसभा में हमें एकजुट होकर काम करना है, जो मनमुटाव है जो खत्म करना है, साथ ही साथ मनमुटाव खत्म करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, वो पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, तो हमें ये चाहिए कि हमारे जो प्रत्याशी बने आदरणीय पूर्व कलेक्टर साहब जो उदयपुर शहर में उदयपुर कोटड़ा हो गया जाड़ो हो गया है उदयपुर संभाग में इतना अच्छा काम किया है और इतना अच्छा प्रदेश हमें नहीं मिल सकता, लोकसभा लेवल पर इतना अच्छा प्रदेश हमें नहीं मिल सकता। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सिंधरी वार्ड के प्रत्याशी है पार्षद प्रत्याशी वो घर 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 उन्होंने चुनाव लड़ा है जीत गए हैं हर घर, तो उन प्रत्याशियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए और उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग लगाए या फिर वार्ड के जो सीनियर नेता है 2-3 जो सीनियर नेता है वो प्रत्याशियों को लेकर आज बार बार डोर टू डोर घूमे तो उससे हमें वो फायदा मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मीटिंग तो कर रहे हैं मगर वार्ड की मीटिंग अभी तक नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी सीनियर मंच पर बैठे हैं उनको 5-5 वार्ड की जिम्मेदारी दी जाए
तो पांच साल की जिम्मेदारी देंगे तो सीधे वार्ड में कर पाएंगे कि 16 दिन बचे हमारे बीच में। वो पांच साल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस प्रभारी बनाए जो हमारे सीनियर है, जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है, उसे मजबूती रहेगी और पार्षद को साथ में लेकर बने जो पार्षद प्रत्याशी है उसको पूरा पता है कि किस वार्ड में कितनी कमजोरी है और किस वार्ड में कितना काम कराया, मैंने मेरे वार्ड में क्या काम कराया, मैंने मेरे वार्ड में क्या किया, मुझे किस वार्ड में मजबूती मिलेगी, मिलकर गली में क्या काम किया, तो मुझे मालूम है। अगर आप पार्षद प्रत्याशी को साथ में लेंगे या पार्षद जीते हुए पार्षद को साथ में लेंगे तो उसे पता रहेगा कि हम किस जगह कमजोर है और किस जगह कांग्रेस के वोट बैंक है। अगर कांग्रेस का वोट बैंक इस मोहल्ले में है और दूसरे मोहल्ले में नहीं है तो क्यों नहीं है उस पता रहेगा उस बारे में। तो वो कमजोरी अगर हम पूरी करेंगे तो हम जरूर अगर वार्ड जीतेंगे तो वार्ड जीतेंगे तो शहर जीतेंगे और उदयपुर शहर जीतना जरूरी है क्योंकि उदयपुर शहर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने 30 साल से लगभग 30 साल तो हो गए हैं कि हमें नगर निगम हम नहीं कर पाए तो इस बार मौका है हमारे लिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि अब ये कांग्रेस कमेटी का जो घर है ये स्वच्छ हो गया है, जो कचरा था निकल गया, जो कचरा था निकल गया, अब उदयपुर शहर का जो है मकान वो मकान नगर होकर होकर बड़ा चकाचौंध हो गया, कचरा साफ हो गया है, जो जा रहा है वो दीमक था, तो घर से दीमक निकल जाता है बुरी बात नहीं है, घर साफ हो जाता है, दीमक निकल जाता है तो घर में सच्चे सफाई हो जाती है। तो अब तो नई कांग्रेस बनी है उदयपुर शहर की और मजबूती से बनी है और हमारे प्रत्याशी जो कहना चाहता हूँ कि इस बार हम जरूर उदयपुर शहर जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत थे लेकिन समय अभी उस बात को करने का नहीं है। हमारी कमजोरी समय केवल अभी ये है कि हम इस चुनाव कैसे जीते साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात अपने दिल में बसा के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। वार्ड 63 में हमने अपना रोड मैप, वार्ड का रोड मैप हमने हमारे साथियों के साथ बंसीलाल जी, अनिल माथुर और हमारे प्रकाश जी के साथ में बैठ के अपने रोड मैप तो बना लिया है कि हम सामग्री का इंतजार है। वो काम तो हम जो करते आ रहे हैं वो रूटीन पर तो करेंगे ही करेंगे, बूथ का काम करेंगे लोगों से मिलने जुलने का काम करेंगे ही करेंगे, बच्चे बांटेंगे। लेकिन साथ ही जो बच्चे में बैठे हुए जो मेरे अग्रज नेता का है मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वार्ड जैसे मैं वार्ड 64 और 65 की बात करता हूँ तो उसमें रावत समाज का बहुत बहुल्य क्षेत्र है, माली समाज का बहुत बहुल क्षेत्र, यहाँ अगर हम नजर घुमाएंगे तो कभी खाली उत्तम जी देवड़ा मुझे एक माली समाज से यहाँ दिखाई देते हैं, जबकि कितने टाइम भी हमने उनके साथ मीटिंग की थी, आज के दिन वो जितने मिलने चाहिए थे नहीं मिल पाए। तो मेरे साथ आपसे अनुरोध या विप्र फाउंडेशन के भी के पी शर्मा जी भी हैं, हमारे कृष्ण समाज से साधु साहब हैं, सुनील जी रोजे हैं, सुधार समाज से हमारे अंदर बहुत से लोग कम हैं, तो सामाजिक जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आप एक वरिष्ठ लोगों की एक अलग से बैठक आप लोग अपने स्तर पर तय करें, ये काम बहुत ही जितना मैं इसको आवश्यक समझता हूँ। बाकी एक ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस के आला कमान प्रमुख का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। अब बात रही संवाद की तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग मंच पे बैठे हैं केवल इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं करें, कार्यकर्ताओं के साथ सबके कार्य करें। केवल अध्यक्ष इंस्ट्रक्शन देंगे, नेता बनना तो बहुत आसान है और मंच पे बैठना बहुत आसान है लेकिन काम ये लोग करते हैं कार्यकर्ता, गली गली बोलने बोलने में करके घूमता है। मैं कहता हूँ आपको लोग नहीं पहचानते, लोग इनको पहचानते हैं, घर घर गली गली बोलना बोलना। इसलिए कार्यकर्ताओं की आपको हर बात सुननी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं की हर बात माननी पड़ेगी। मैं अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ हर वार्ड में ऑफिस खुल नहीं सकता, 70 वार्ड है 50 वार्ड शहर में, आप 10 वार्ड 5 वार्ड में ऑफिस खोलिए और आप खुद आके स्वयं आके चेक करिए, सबको बताइए 5 वार्ड में आपका ये ऑफिस है, आपका वहाँ हम क्या काम कर रहे हैं। हम पिछले 4 बार के पार्षद हैं, लगातार जनता में रहते हैं, आज भी हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी तन मन धन से हम काम करेंगे। लोगों को बीजेपी के बारे में आम आदमी जानता है, पूरी जनता भारत की जानती है बीजेपी ने क्या काम किया और हम क्या काम कर रहे हैं। शर्त यह है कि आप कार्यकर्ता बस एग्रेसिव होकर काम करें, तन मन धन से काम करें और ये काम करें कि मुझे चुनाव जीतना सार्वजनिक जीवन में तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। और आज की तारीख में उदयपुर में हम प्लस में चल रहे हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहे हम लोग, काम हमें करना है पूरे तन से और मन से करना, धन से तो कमजोर है तो तन मन से हमें काम करना है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल फेंक दे रहा हूँ आपके जो मंडल अध्यक्ष बने ना उनको ये भी पता नहीं कि मेरे इसमें कितने वार्ड आ रहे हैं, कितने बूथे हैं, कितने कार्यकर्ता है, कोई नहीं जानता। जो अध्यक्ष यहाँ तो बिल्कुल पार्टी कर रहे हैं जो होना चाहिए वो आप हमारे
होना चाहिए, एक एक वार्ड में लोग अच्छी अच्छी जिम्मेदारी है तो वह काम करेगा वार्ड में कार्यकर्ताओं के साथ, तो हम मानेंगे कि हाँ अब कांग्रेस मजबूत है और जीतेंगे निश्चित। धन्यवाद जी। मंच पर विराजे हुए
हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय तारा जी मीणा साहब, बड़े कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बड़े भाई सुरेश जी श्रीमाली साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव गोपालजी शर्मा साहब, पंकज जी शर्मा साहब और हमारे विधायक त्रिलोक जी कुटिया साहब, मंथर गिराजय दोनों ब्लॉक अध्यक्षगण, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, सभी मंडल अध्यक्षगण, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे भाई छोटे भाई गोल्डी और पार्षदगण, सभी बूथ के कार्यकर्तागण और सारा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सभी मात्र शक्ति। बस तो कांग्रेस में मेरे लिए बोलने के लिए कुछ रहे नहीं, क्योंकि पूरी कांग्रेस कमेटी ने अपनी अपनी, सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी राय दी और मैं भी आपकी राय से सहमत हूं कि मैं भी आज से 6 महीने पहले मैं वही बैठता था और इस कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस पार्टी ने एक आप जैसे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उन्हें सारे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। लेकिन आज मेरे अध्यक्ष बनने के बाद भी अगर हालात वही रहे तो मेरा बनने का कोई फायदा नहीं रहेगा, ये आप में सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय मीणा साहब ने कहा कि मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी वक्ताओं से रूबरू हूं, समाप्त करूं, लेकिन जो उतावले हो रहे थे समाप्त करने के लिए वो सबसे लेट आए और सबसे जल्दी चले गए। समाज ऐसे नहीं होता है, कोई संगठन ऐसे मजबूत नहीं होता। आज मैं बहुत से नेता और कार्यकर्ताओं को सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आदरणीय मीणा साहब, मैं बताना चाहता हूं कि 216 बूथ में से मैं 180 बूथ पे मैं स्वयं चुनाव के दिन गया था और मुझे ऐसे बहुत से, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी हो, चाहे पार्षदगण हो, चाहे जिला के पदाधिकारी हो, वो अपने बूथ पर नहीं मिले, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। क्लब का कपड़ा पहनने से और ये तिरंगा पहनने से, हाथ का निशान पहनने से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। मजबूत तब होगी कि हम सभी कार्यकर्ता और नेता अपने बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आप गांव के कार्यकर्ता बूथ के नहीं आए, उन बूथ के कार्यकर्ता के साथ बैठकर, वार्ड नहीं, अपने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर बूथ अगर मजबूत करेंगे, जैसे कि मीणा साहब ने कहा कि उदयपुर शहर इस बार हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। आज 3 दिन पहले हमने कार्यालय का उद्घाटन करा, उसके बाद में रेगुलर उदयपुर शहर के सभी कार्यकर्ता नेता भी आ रहे हैं, लेकिन खासकर मैं विशेषकर पार्षद महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं। सौगत पार्षद, हमारी सरकार ने किन नेताओं के नाम देने पर उनको चुना और आज कितने सौगत पार्षद है और कितने जीते हुए पार्षद है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उनको, पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान टिकट दिया है और वो इतनी महत्वपूर्ण बैठक में अगर उपस्थिति नहीं दे रहे तो वो खुद भी सोचे या आके बता दे कि बार बार मैं स्वयं फोन कर रहा हूं, मैंने सभी मंडल अध्यक्षगण को फोन करा, 6 से 7 मंडल अध्यक्षगण नहीं है जिसमें 4 मंडल अध्यक्ष बाहर है, मैंने दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जी से बात करी है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया कि हम घर नहीं बैठे और अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ, आज फतेह सिंह को अकेला कार्य नहीं कर सकता है, काम करेंगे हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता और बूथ के सभी जो हमारी टीम है। अगर किसी को कुछ भी समस्या है तो हमें बताओ, मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी वार्ड में किसी भी पदाधिकारी या मेरे स्वयं से अगर कुछ समस्या है तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, कि हमारे कांग्रेस पार्टी आज जो हमारे बीच में पार्टी ने जिस शख्स को टिकट दिया है,
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो शख्स है जो जब जगदीश मंदिर जीर्ण शीर्ण की हालत में था तब आप कलेक्टर सकते हैं और कुछ धर्म से भी जो संस्थाएं इनके पास गई उन्होंने अर्जेंट में 80 लाख रुपए स्वीकार करके जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। आप और हम जाके बताएंगे तो पता पड़ेगा कि हमारे शहर में कौन है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अभी वो आप भी बता रहे हैं कि जगदीश मंदिर का वर्क को डर और कुछ रोका हुआ है, 80 लाख स्वीकार किए थे, काम भी चालू हो गया था, लेकिन जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया था तो मंदिर के पुजारी बता रहे थे सर वो काम जो चल रहा था अभी रुका हुआ है उसको भी आप चेक कराएं। मतलब जो ये तथाकथित धर्म प्रेमी लोग हैं, मतलब इनकी हकीकत भी तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। और आप सभी से सुझाव आए कि हम वार्ड के दौरों का वार्ड को दौरों का हर बार हम करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सभी मंडल में चार चार या पांच पांच वार्ड ये तो हम मंडल के द्वारा ही कार्रवाई कराएंगे, जो भी मंडल अध्यक्ष होगा और जो भी जिला के पदाधिकारी है। और मंच पर बिराजे हुए सभी में सम्मानित सदस्यों से बताना चाहता हूं कि हर वार्ड में और हर मंडल में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य को पांच पांच छह छह सभी वार्ड और बूथ पर पेनी निगाह रखने के लिए हमने नियुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ करी। लेकिन उन सब तो ऐसे नहीं कि केवल नाम आने गए, आपको बूथ की रोज जानकारी देना होगी। और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाए गए भाई पंकज जी को भी कहूंगा वार रूम में अगर अच्छा रहेगा कि वार रूम आप यहाँ चलाएंगे, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं की राय थी, क्योंकि डेली का जो शहर का जो अपना अपडेट है तो आप भी हमारे साथ सहयोग करेंगे कि किस बूथ पर क्या कमी है। हम सब मिलकर जब हम ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और आज उदयपुर शहर में कांग्रेस के कमजोर होने का मुख्य रूप से जहां तक मैं कारण मानता हूं कि उदयपुर शहर में कांग्रेस का कार्यालय नहीं होता, कि आज पर कोई भी कार्यकर्ता जब मैं भी बना मैंने कहा कि यार मेरे मैंने मकान के तीन कमरे तो कार्यालय स्थायी रूप से होगा। मुख्य रूप से जो कारण है आप सबके भी दिल में, और मैंने जब प्रथम बार में जब आदरणीय मीणा साहब से मिला हूं तो मीणा साहब ने मेरे को प्रथम बार में ये आश्वस्त किया है कि इस बार निश्चित रूप से शहर कांग्रेस का कार्यालय जो अपने को जमीन मिली वहां पर और बूथ और मंडल जितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दोनों ब्लॉक अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा मैं, सोमेश्वर जी की तबीयत अब ठीक है लेकिन अगर कुछ भी समस्या है तो आप बता सकते हैं। और मंडल अध्यक्षों से मेरा निवेदन है कि मैंने कहा था कि बूथ पहले बूथ पे हर बार जो हमारी समस्या आती है कि उस बूथ पे हमें कुछ कार्यकर्ता नहीं मिले, तो उनसे भी निवेदन करता हूं कि हर बूथ पर इस बार जब कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण जब जावे तो हर बूथ अध्यक्ष के साथ वन बूथ में तीन युद्ध चाहिए, जिसमें युद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा, सेवा दल के अध्यक्ष जी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी एनएसओ के, आप सभी हर बूथ में दो दो कार्यकर्ता 25 से 30 कार्यकर्ता बैठेंगे, तब ये सही सभी संभव हो पाएगा। हम सभी आपस में तालमेल रखें और भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजरिया है, जिस तरह से 30 साल से उदयपुर में नगर निगम बैठा है, ये खासकर हमारे यहाँ के पार्षद बता सकते हैं कि नगर निगम ने जिस तरह से चोरों को राज, जिस तरह से मतलब डाकू बन के बैठे 30 साल से, आज ऐसी बहुत सी जगह हम आज देखते हैं कि निगम की कमजोरी। आज अभी 2 दिन पहले एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने पूरी तरह नोच डाला और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये सारा दोष नगर निगम का है। आज नगर निगम को चाहिए कि सभी वार्ड में नियमित रूप से देखभाल करें और जो बढ़ती सरकार है सरकार के लिए भी आप बार बार बूथ बूथ पर करें, जिस तरह से
आज हमारे क्षेत्रों में हम देखते हैं कि पहाड़ियों की कटिंगें हो रही है और जिस तरह से एग्रीकल्चर का हमारा विनाश हो रहा है और आए दिन तेंदू है हमारे शहर की कॉलोनी में घुस, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको उन सब बात को आम जनता को पहुंचाना होगा। हमारे गहलोत साहब की जो योजना है जो हमारे पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री ने दी आज बहुत सी योजना इन लोगों ने बंद कर दी है, वो पहुंचा नहीं होगी और ये मौका है अभी और हमारा यहाँ कांग्रेस जिंदा तभी रह पाएगी जब ताराचंद जी मीणा जैसे एक आईएएस और सभी रूप से आप सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान